कोरोना वायरस की महामारी के बाद गुजरात सरकार ने दुकानों को थोड़ी छूट दी है। इसमें राजकोट महानगर पालिका जो है वो ओड इवेंट के तहत राजकोट की जो दुकानें हैं उसमें एक नंबर और दो नंबर के स्टिकर लगा रही है। यह क्यों यह स्टिकर लगा रही है, हमारे साथ बोर्ड ऑफिसर है, उनसे ही बात करते हैं। ये जो स्टिकर लगाया जाता है एक नंबर और दो नंबर, किस तरह से काम करता है? देखिए, पूरे राजकोट महानगर पालिका में ये काम चल रहा है। आज के दिन में हम लोगों ने ऑड और इवन एक और दो नंबर बनाए हुए हैं, स्टिकर्स लगाए हैं। जहाँ से हमने शुरू किया है काम वहाँ से एक नंबर, उसके बाद दो, वापस एक, वापस दो, इस तरीके से नंबर हर जगह पर लगाए जा रहे हैं यहाँ। अब इसमें ऐसा है कि जिनका एक नंबर है उन लोगों को एक ही नंबर की जो तारीख होती है लाइक 1, 3, 5, 7 उस तारीख को खोलना है, और दो नंबर है उन लोगों को जो दो नंबर की तारीख है 2, 4, 6, 8 उस तारीख को ही खोलना है। इसका ये होगा कि बाजू बाजू में दो दुकान है, आप देख सकते हैं सामने अभी काम चल रहा है, एक दुकान पे एक नंबर लिखा हुआ है और बाजू की दुकान में दो नंबर लिखा हुआ है। मीन्स एक आज खुलेगी तो दूसरी कल खुलेगी, इससे ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। और हम लोग बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, राजकोट महानगर पालिका में पूरा स्टाफ जुटा हुआ है कि हम सब लोग कोरोना का संक्रमण से लोगों को बचा सके, तो उसका एक ये हम लोगों ने प्रयत्न किया हुआ। एक दिन में राजकोट महानगर पालिका जो है वो कितने स्टिकर लगाने वाली है? देखिए, राजकोट महानगर पालिका आज शाम तक लगभग 65,000 स्टिकर्स शाम तक आज लग जाएंगे पूरे राजकोट में। ये थे राजकोट महानगर पालिका के बोर्ड ऑफिसर, जिनका कहना है कि राजकोट में 65,000 जो दुकानें हैं उसमें एक नंबर और दो नंबर के जो स्टिकर है वो राजकोट में लगाए जाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि राजकोट में जो दुकानें हैं उसमें भीड़ कम होगी। राजकोट से नीलेश सुसांगिया, गुजरात तक के लिए।